सब्सक्राइब आवर चैनल और नव में सन्नद अपडेट। मावला क्लासेस पर आज सुपर फास्ट डिवीजन में आज बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक के एक इंपॉर्टेंट पहलू, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इन डिफरेंट केसेस, जैसे मॉडुलस के केसेस में, लॉग के केसेस में, और ऐसी एक्सप्रेशन जो अकवर्ड लगती हैं जहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एग्जाम को देखते हुए अगर आप इन सारे वीडियोज को सर्च कर रहे हैं तो आज इस वीडियो पर बने रहे लास्ट तक, क्योंकि इस सीरीज में हमारा उद्देश्य है कम समय में परफेक्ट बात करना, सटीक बात करना और ट्रिक्स बेस्ड बात करना। तो स्पेशल प्रॉब्लम स्पेशल टाइम में और स्पेशल तरीके से, बने रहिए लास्ट तक। जैसा कि बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। अगर इस क्वेश्चन को लास्ट तक हम समझ पाते हैं तो जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मॉडुलस आएगा तो आप कंफर्टेबल होंगे, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहे इस क्वेश्चन पर। देखिए ऑप्शन है 2, 1, 0, नन ऑफ दीज, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी वो काउंट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यूज नहीं। तो अब यहां पर हमारा उद्देश्य है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो, इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर आप कर पाते हैं तो इसका मतलब है आपको वो सारी चीजें आती हैं, बस थोड़ा सा हमारा इनपुट देना बस बाकी है। तो देखिए अगर इसका फैक्टर रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू बराबर जीरो। अब यहां पर एक्स की वैल्यू आई 1, 2, ये सिंपल है, और यहां पर एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू बराबर जीरो आपके सामने कर रहे हैं, माइनस टू का माइनस वन। इतनी बात, अगर ये आता तो ये आराम से कर सकते थे, ये आता तो ये भी इजिली कर पाते। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया तो मॉड का मतलब ही होता है कि मॉड ऑफ एक्स, या तो वो एक्स के साथ जाएगा या माइनस एक्स के साथ जाएगा। देखो टू का मॉड टू जाएगा और माइनस टू का मॉड जो है माइनस के आगे माइनस जाएगा तो टू हो जाएगा, यानी कि या तो उसके आगे प्लस रखना है या माइनस रखना है, डिपेंड ऑन द। देखो यहाँ प्लस रखा गया इसका मतलब वो पॉजिटिव था, और यहाँ माइनस के आगे माइनस इसलिए रखा कि पॉजिटिव बनाना था, तो नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगाते हैं तो मॉड होगा। तो अब मॉड एक्स की जगह एक्स रख रहे हैं केस वन में, तो तभी रख पाएंगे जब एक्स पॉजिटिव होगा, जैसा कि यहाँ लिया गया कि पॉजिटिव के आगे हमने पॉजिटिव रखा, तो ये वाले पार्ट में चले जाएंगे। और अगर हमने देखिए क्या मॉड ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखा होगा, तभी तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड ऑफ एक्स प्लस टू की जगह है क्या हुआ होगा, यहाँ पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर रहा होगा और थ्री माइनस एक्स प्लस टू रहा होगा, तभी तो ये आया होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो। तो यानी कि हमने दोनों पार्ट को, दोनों केस को आसानी से कंसीडर किया। तो जब भी मॉड आए तो आप इन दोनों केसेस को कंसीडर करेंगे, यानी कि आपका काम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोगुना हो गया, यानी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहले सॉल्व करनी है। तो सिंपल सी बात है, मॉड ऑफ एक्स गया माइनस एक्स रख के सॉल्व करिए, और मॉड ऑफ एक्स गया एक्स रख के सॉल्व करिए। इतना आ गया, एक्स की वैल्यूज आ गई और यहाँ पर x की वैल्यूज आ गई। अब देखिए हमें x माना कैसा था, हमने यहाँ पे पॉजिटिव माना था, हमारी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आई, यानी ये दोनों वैल्यूज कंसीडर की जाएंगी, यानी टू सॉल्यूशंस यहाँ जनरेट हुए। और यहाँ पर माना कैसा है, x निगेटिव होगा तभी तो होगा, और x निगेटिव होगा तो दोनों वैल्यूज हमारी कैसी आई, निगेटिव आई, तो यहाँ दो सॉल्यूशन जनरेट हुए, टोटल सॉल्यूशन हमारे इस केस में हुए 4 सॉल्यूशंस। यानी कि अगर ऑप्शंस पर हम ध्यान दें तो एक भी ऑप्शन सही नहीं है, डी ऑप्शन सही हो गया। बट सपोज अगर यहाँ पर x बराबर माइनस टू और 1 आता है तो इस वाले वैल्यूज को हम नहीं लेंगे, इस वाले कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, और नेगेटिव है तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर मान लो ये नहीं होता तो ये नहीं लेते, ये ले लेते, समझ आई बात की नहीं। तो सिंपल सा आया, एक एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं जैसे मोर क्लियर हो जाए। तो नए क्वेश्चंस को लेके और नए कॉन्सेप्ट से लेके हम लोग हाजिर हैं, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम को भी डिस्कस वाले हैं, लास्ट तक बने रहें। जैसे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 12 बराबर जीरो, हमने इक्वेशन को चेंज किया, उद्देश्य को भी चेंज कर रहे हैं, उद्देश्य इन द सेंस जो वहां पर टारगेट था यहां पर टारगेट है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऑप्शन देख ले 2, 0, 4 एंड नन ऑफ दीज। अब आपको पता है कि दो गुना काम करना है, यानी कि आपको सिंपल इसको x कंसीडर करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर जीरो। अब इसका फैक्टर अगर करेंगे तो x प्लस 3 और x माइनस 4 बराबर जीरो आ गया, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 3 और 4, सिंपल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो देखो आएगा माइनस 4 और 3। अब किया क्या है, देखिए अगर यहाँ पर इसमें मॉड x की जगह जब x रखा गया होगा, मॉड x की जगह x रखा गया होगा तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आया माइनस एक्स माइनस 12 और जीरो, सिंपल। और यहाँ पर क्या किया गया होगा,
मॉड एक्स की जगह क्या रखा हो गया माइनस एक्स, तभी तो रखा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया होगा और माइनस 12। अब देखिए मॉड एफ एक्स रहा है, एक्स तभी होगा जब एक्स पॉजिटिव माना गया होगा, क्या माना गया होगा पॉजिटिव, दो केसेस में कहा कंसीडर करें। अब एक्स पॉजिटिव है, सोल्यूशन हमारे माइनस 3.4 आया, एक्स को पॉजिटिव मान रहे हैं तो निगेटिव वाला सोल्यूशन यहाँ कंसीडर नहीं करें, क्योंकि हम मान चल रहे हैं कि एक्स पॉजिटिव है, तो अब x की वैल्यू 4 ही हमारा सोल्यूशन हो गया, यानी यहां पर 1 सोल्यूशन ये कंसीडर किया गया, यही इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है उसको सेटिस्फाइड करेगा। चाहे मैं करके दिखा देता हूं, देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 12 बराबर 0, अगर आपने माइनस 3 को रखा तो माइनस 3 के मॉड का स्क्वायर माइनस माइनस 3 के मॉड और माइनस 12 करोगे तो यह आ जाएगा 9 और यह आएगा माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 का मॉड 3 हो जाएगा और माइनस 3 माइनस 12 0 हो ही गई नहीं। अगर 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 12, देखो 16 माइनस 4 माइनस 12 तो 0 आ जाएगा नहीं, ठीक है तो यही बात। अब यहाँ पर मॉड x बराबर माइनस x रखा होगा, x निगेटिव माना गया होगा, आपको अभी सॉल्व करने में दिखाया था कि वैल्यू आई थी माइनस 4 और 3, अब निगेटिव माना गया तो ये वाली ओके, मतलब इस निगेटिव को लेंगे और ये नॉट ओके, बात समझे कि नहीं, ये एग्जाम्पल बिल्कुल आपको क्लियर कट कर दिया होगा। तो ये x बराबर माइनस 4 इसका सोल्यूशन यहां पे आया, ठीक, एक सोल्यूशन यहां आया, वन सोल्यूशन यहां और वन सोल्यूशन, दोनों को आउट करेंगे एक ये, तो टोटल तुम्हारे हो गया दो सोल्यूशन, टू सोल्यूशंस हुए ऑप्शन नंबर ए। अब आपका क्लियर हो गया होगा, तीसरा क्वेश्चन आप लगा ले, चलिए डिफरेंट प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे थोड़ी सी और अलग, वहां पर भी वो मजा आएगा, लास्ट तक बने रहे। तो यहां पे क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ लॉग ऑफ, लॉग के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बेस पे 2 है बराबर x माइनस 2। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ऑप्शंस हैं 4, 5, 2, -3, 2, 3 एंड डी ऑप्शन है 3, 5। अब इस सारे क्वेश्चंस को लॉग से वैसे ही स्किप करते हैं और फिर ऐसे आगे कैसे बढ़ेंगे, तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या की पॉइंट्स देखें कि लॉग ऑफ x बेस ए बराबर t है, तो एंटी लॉग जानने के लिए लिखा गया है x बराबर a की पावर t, या तो इसको रट लें और समझे कैसे, तो लॉग ऑफ 4 बेस 2 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है, और लॉग ऑफ 2 बेस 2 की वैल्यू 1 होती है, तो देखिए 2 की पावर 2 करें, 2 की पावर 2 करें तो 4 आ जाता है, ऐसे 2 की पावर 1 करें तो 2 आ जाता है, इसका मतलब इसकी पावर ये करें तो a की पावर t कितना आ गया, x आ गया, इतना सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, ऐसे आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 गॉट इट, इतना आ गया होगा 2 की पावर x माइनस 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 2, क्योंकि जो भी एड पावर्स होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती है तो मल्टीप्लाई ही होती हैं, वो घाते जुड़ जाती हैं, ऐसा बोला गया है। तो अब ये एक्सपोनेंशियल में आ गया, एक्सपोनेंशियल को अब यहाँ क्वाड्रेटिक के साथ मैचअप कैसे करें, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सिंपल है कि आप ऑप्शंस उठाइए, क्या उठाइए, ऐसे केस में ऑप्शन उठाइए, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस हम 2, 3 को ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू 2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू 2 रख रहे हैं, देखिए कितना आएगा 4 - 8 प्लस 5, ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 5 - 9 - 8 तो 1 आ जाएगा, अब इस साइड में रखेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 4 - 4 तो कितना आ गया 1 भाई, 2 की पावर माइनस 2 नीचे जाएगा तो 4 - 5 - 4 - 1 हो गया, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी 2 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 2 सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। अब 3 और माइनस 3 में हम रखते देखते हैं, तो यहाँ पे 3 रख के देखें, देखिए कितना आएगा 9 - ये 12 हो जाएगा और प्लस 5 तो 9 और 5 कितना हुआ 13 में से 12 गया तो 1 आया। अब यहाँ पर भी हम 3 रख रहे हैं तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर माइनस 2 तो 8 - 4 तो 8 - 4 2 आ गया तो कहीं पे मिस हो गया। 9 - 5 - 9 - 5 - 14 में से 12 गया तो 2 आया कि नहीं आया, तो 2, 3 ऑप्शंस में ये गलत हो गया, अब कौन सही हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको लग रहा है कि एक्सप्रेशन थोड़ी टिपिकल बन रही है, इजिली आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्मार्टली क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस का सारा ले सकते हैं। हाँ एक बात ध्यान रखें कि कभी भी लॉग ऑफ एक्स बेस ए हो तो समय ध्यान दें कि लॉग ऑफ 2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लॉग ऑफ 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लॉग ऑफ माइनस 4 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कभी भी एक्स यानी एक्स ओवरऑल निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमने वैल्यू डाली थी, हमने देखा था कि यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 1 आया, यानी इसका ये पार्ट, कहने का मतलब ये पार्ट जो है वो कभी निगेटिव नहीं बनना चाहिए। तो सिंपल सा आप ऑप्शंस का सारा ले सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में आएंगे एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ, नई ट्रिक्स के साथ। चलिए चलते हैं लॉ के क्वेश्चन से, वैसे ही आप डरते हुए हैं और डरे रहते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एज सच इस क्वेश्चन से प्रूव होगा कि आप बिल्कुल भी, ये मिथ है आपका,
स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव बेस टू लिया गया, बराबर दिया गया एक्स माइनस टू। ऑप्शन है फोर फाइव, टू का माइनस थ्री और सी ऑप्शन है टू का थ्री, नन ऑफ दीज। अब देखें ऑप्शन कैसे मैच किए जाए और कैसे क्वेश्चन का आंसर इजिली फाइंड करेंगे। तो लॉग से डरे नहीं, आपको सिंपल एक बात ध्यान रखनी है कि लॉग ऑफ एक्स बेस ए बराबर टी है, तो x बराबर ए की पावर t। तो ऐसे जब मेरे सामने ऐसा आता था तो हम लोग याद कर लेते थे, बट हम सजेस्ट करेंगे कि आप याद नहीं करिए। जैसे कि यहाँ लेते हैं log ऑफ 4 बेस 2, इसकी वैल्यू सिंपल आपको 2 पता होगी, और log ऑफ 2 बेस 2 इसकी वैल्यू 1 पता होगी, इतना आपको पता है राइट। जैसे कि आपको कुछ नहीं पता है तो log ऑफ 8 बेस 2 आपको पता है कि log ऑफ 2 की पावर 3 और बेस 2, तो 3 log ऑफ 2 बेस 2 तो दैट इज 1, तो 3 आ गया। तो सिंपल आपको पता हो गया कि log ऑफ 8 बेस 2 बराबर 3 सपोज, ठीक है, इतना निकालना नहीं है। अब देखिए इसको कैसे मैच कराएंगे, 2 की पावर 3 बराबर कितना आ गया 8, यानी कि इसकी पावर ये बराबर x आ गया, तो a की पावर t बराबर x आ गया। सिंपल ये ध्यान रखें कि लॉग से एंटी लॉग कैसे आते हैं, तो जैसे ही आपको दिया गया आप क्या करिए एंटी लॉग पे चले जाइए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव बराबर टू की पावर x माइनस टू। आप 2 की पावर x माइनस टू को आप थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस टू, कहने का मतलब 2 की पावर x अपॉन 4। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को मैच कराना है। अब अगर हम किसी को सपोजिशन करते हैं, टी मानते भी हैं, तो 2 की पावर x अब गड़बड़ करता रहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शन का सहारा लें। सपोज हमने रैंडमली कोई 2 वैल्यू उठाई, क्योंकि दोनों में है इसलिए हम 2 को उठा रहे हैं, इधर रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 रखेंगे, x बराबर 2 हम रखने वाले हैं, तो यह आएगा 4 माइनस 8 प्लस 5, फटाफट कैलकुलेट करें 9 माइनस 8 दैट इज 1। अब अगर यहाँ रखेंगे तो 2 की पावर 2 बाई 4 दैट इज 1, तो यानी 2 वैल्यूज होती वो सेटिस्फाइड हुई, यानी पॉसिबिलिटी हमारी बनी ये या ये। अब इनमें से हम कोई एक वैल्यू रखते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि लॉग ऑफ एक्स बेस ए है, तो हमेशा यहाँ पर एक्स, जैसे कि लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 4 और लॉग ऑफ माइनस 4, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो निगेटिव से बचते हैं, तो इसलिए हम लोग पहले 3 एक मोस्ट प्रॉबिलिटी है तो उसको रखेंगे। एक्स इक्वल टू 3 रखने जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये आएगा 9 माइनस 12 प्लस 5, तो ये आया 14 माइनस 12 दैट इज 2, तो ये साइड हमारी 2 बन गई। अब उस साइड में भी मैच कराएंगे, तो 2 की पावर यहाँ पर x लिया गया था बाई 4, तो 2 की पावर 3 बाई 4 दैट इज 8 बाई 4 दैट इज 2, 2 और 2 मैच किया x बराबर 3 पर, x बराबर 2 पर, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है और ये ओवरऑल पॉजिटिव आया भी है, तो ऑप्शन हमारा क्या एक्यूरेट ऑप्शन 2,3 यानी सी ऑप्शन था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा डिफर होगा, मजेदार होगा, बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इसलिए मैं स्माइल कर रहा हूँ कि बहुत मजेदार क्वेश्चन है। x माइनस टू अपॉन x माइनस वन बराबर वन माइनस टू अपॉन x माइनस वन, नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे 0, 1, 2, नन ऑफ दिस, ऐसे ही नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यू नहीं निकालनी, कितनी ऐसी वैल्यू जो सेटिस्फाइड करेंगी। तो सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर सोल्यूशन हमारा क्या कहता है कि हम लिखा x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वन बराबर 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वन, तो सिंपल यार ये काट दो एक्स बराबर 1, तो एक 1 सोल्यूशन आ गया, ज़्यादा झंझट नहीं है, देखा जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही हमारा दिमाग कहता है। बट हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम सिंपल की पॉइंट्स पे जाके हम इसको ऐसे लिखें और एलसीएम लेके सॉल्व भी करें। देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, दिखाया सीधे एक्सप्रेशन हमारी आई बाद में, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब आप ध्यान दें कि x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन बराबर 1 माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, जो सोल्यूशन हमारा आया x बराबर 1 वो अगर हम रखें तो 1 माइनस टू अपॉन 1 माइनस वन बराबर 1 माइनस टू अपॉन 1 माइनस वन। अब समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड, तो यानी कि अगर आप कभी भी ऐसे करते हैं, यानी x अपॉन x माइनस टू अपॉन x माइनस वन बराबर 1 माइनस टू अपॉन x माइनस वन, जब भी आप इसको कट करते कभी भी, तो जब भी आप किसी चीज़ को कैंसिल करते हैं तो हमारा कैलकुलस बोलता है कि 2 अपॉन एक्स को आप कैंसिल करने जा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर जो है x माइनस वन नॉट इक्वल टू 0, यानी x 1 नहीं आना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 नहीं है तभी ये परमिशन दे रहे हैं, या यहाँ पर हमने कट किया तो हमेशा ध्यान रखें कि डिनोमिनेटर हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 कब हो रहा है 1 पर, तो 1 नहीं होना चाहिए। बाद में हमारा सोल्यूशन क्या आया 1, तो जब बताया है कि 1 नहीं होना चाहिए और सोल्यूशन वही आ गया तो ये कंट्राडिक्ट हो गया, तो सोल्यूशन 1 नहीं मान पाएंगे, तो ये आए कितने 0 सोल्यूशन, कितने आ गए 0 सोल्यूशन। ये ध्यान रखें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है जब तक कि वो डिसाइडेड ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन पर, इस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आधारित था, नेक्स्ट पर बढ़ेंगे, सिंपल क्वेश्चन होगा।
चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं लास्ट में, बहुत ही अच्छा है। 7 की पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बेस 7 है बराबर 4 माइनस 2x, तो x की वैल्यू क्या होगी? x में है वैल्यूज 1, 2, 1, -2 एंड 1, 3 एंड नन ऑफ दीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं थोड़ा नजर डालते हैं की पॉइंट्स पे, क्योंकि की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। a की पावर log ऑफ b बेस c अगर ऐसा लिखा गया है तो हम लॉ की प्रॉपर्टी कहती है कि इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब b की पावर log ऑफ a बेस c, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखें log ऑफ a बेस c बराबर 1, मतलब log ऑफ 2 और बेस 2 हो तो उसको आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखा है कि log ऑफ a की पावर log ऑफ b बेस a है, तो जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो देखो b की पावर log ऑफ a बेस a तो ये 1 हो जाएगा, तो b, कहने का मतलब 2 की पावर log ऑफ 5 बेस 2 है तो इसको सिंपल आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है, गॉट इट, क्योंकि ये इधर आएगा और 2 की पावर 2। तो यहाँ पर 7 की पावर log ऑफ दिस बेस 7 है तो सिंपल ही लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 4 माइनस 2x। इतना आप समझ गए होंगे कि नहीं, क्योंकि ये इंटरचेंज करेंगे 7 की पावर 7 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इधर आएगा तो 5x प्लस 2x और प्लस 6 माइनस 4 बराबर 0, पूरा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, अब आपको पता ही होगा कि x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, इतना तो आप फैक्टर कर ही लेते ना, और आप x की वैल्यू निकालेंगे 1, 2, तो ये आया, तो आप 1, 2 कौन सा ए ऑप्शन आपने टिक कर दिया। बट ये लास्ट का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो आप मिस कर गए, क्योंकि आप ऐसा करेंगे और क्वेश्चंस आपका गलत होगा तो क्वेश्चन से नंबर भी आपके कटेंगे, तो क्या बात है देखते हैं। यहां पर नजर डालें कि log ऑफ x बेस a, log ऑफ x बेस a तो हमेशा ये x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, कहने का मतलब अगर ये चीज से हमने ये कन्वर्ट किया तो हम सिंपल क्वाड्रेटिक पे आ गए, बट ये चीज क्या है लॉगरिथम फंक्शन है तो इसका ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए जो इसका x है, यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो नजर डालते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। रियल लाइंस अगर आपको नहीं पता है तो इनक्वालिटीज के वीडियोस हम लोगों ने मार्वला क्लास ने अपलोड किए हैं, जरूर देखें। तो जब भी दो फैक्टर होते हैं तो ये रियल लाइन पे 2 पे जाएगा और ये 3 पे जाएगा, तीन डिवाइडेशन हो गए, इधर वाला प्लस माइनस प्लस। अब आपको पता है कि ये चीज पॉजिटिव तभी होगी जब आप 2 से छोटी वैल्यू डालें या 3 से बड़ी डालें, तभी पॉजिटिव होगा। अब आपके सॉल्यूशन क्या है, 1 और 2 आए, तो ये देखिए हमें क्या चाहिए, 2 से छोटा डालें या 3 से बड़ा। अब देखिए 2 जो है 1 तो हमारा 1 जो है हमारा 2 से छोटा हो गया, ओके गॉट इट। अब 2 से छोटा ना कि 2, अगर 2 रख देंगे तो देखो क्या बन जाएगा, यहां चेक करते 2 पर तो क्या बनेगा, 4 माइनस 10 प्लस 6 तो 10 माइनस 10 और log 0 अनडिफाइंड होता है, तो यानी कि ये 1, 2 नहीं रहा, क्या ओनली सॉल्यूशन x की वैल्यू क्या 1 ही सेटिस्फाइड कर रही, यानी कि डी ऑप्शन है, और 2 नहीं सेटिस्फाइड कर रही, यानी ऑप्शन हमारा डी रहा। कैसा रहा सुपर फास्ट डिवीजन का ये वाला पार्ट, और ऐसे बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारे आइडियाज और बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम को इंपॉर्टेंस देते हुए और हमारे दिमाग में है, यानी मारुला क्लासेस के पास में है, तो सुपर फास्ट रिवीजन आपके एग्जाम को देखते हुए शॉर्ट वे में शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग आगे हाजिर होंगे। बस करना क्या है कि कमेंट्स के थ्रू आप उस टॉपिक को डिमांड करें जिसके खास सेक्शन के क्वेश्चंस को आप शॉर्ट वे में करना चाहते हैं, या आप परेशान हैं तो हमारे तक पहुंचाएं अपनी प्रॉब्लम, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दें। इस बार का टेस्ट रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फटाफट रजिस्टर करें www.marulaonlinetest.com पर, ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, 1000 प्लस का टारगेट है, पिछली बार 5000 प्लस का टारगेट अचीव किया है, यानी कि 1000 प्लस स्टूडेंट इस बार दिखने चाहिए, यह हमें आशा और उम्मीद है आप जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।